ठेला एवं पथ विक्रेता महासंघ के राजेश फिरकर ने बताया कि हाल ही में एक आदेश जारी हुआ, जिसमें समस्त ठेला चालकों को आदेशित किया गया है कि इंदौर सीमा में ठेला चालक अपना व्यवसाय घूम फिर कर सकेंगे। निगम के आदेश के विरोध में सैकड़ों ठेला चालक की महत्वपूर्ण बैठक मालवा मील सब्जी मंडी में आयोजित हुई। इस आदेश का पुरजोर विरोध करते हुए आगामी समय के लिए रणनीति तय की गई। यदि इंदौर नगर निगम अपना आदेश वापस नहीं लेती तो इंदौर के समस्त ठेला व्यापारी नगर निगम पर जंगी प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां देंगे। इस आदेश के आने के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने खुलेआम गुंडागर्दी कर गरीब लोगों से पैसा वसूल करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ कृष्ण मुरारी मोघे जी से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख रूप से निर्मला परमार, मुकेश मंजे, ईश्वर पथरोड़, राजेश अरोरा, अन्नू गहलोत उपस्थित थे। कला जिसमें ठेला चालक खड़े होकर अपना व्यवसाय नहीं कर सकता। ठेला चालक की एक कैटेगरी नहीं, सब्जी के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं जिसमें हम चल के धंधा नहीं कर सकते। आज सालों से मंडियाँ चल रही है, हजारों लोग पल रहे हैं इसमें, 30,000 ठेले इंदौर में काम कर रहे हैं। आज 30,000 की रोजी रोटी पर संकट आया है। हम जितने लोग आज इकट्ठा होकर एक मीटिंग कर रहे हैं, अगर प्रशासन ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो हमको आंदोलन की राह पकड़ना पड़ेगी। और दूसरा, हम जितने 30,000 लोग वो जेल जाने के लिए तैयार है, हम गिरफ्तारियां देंगे अगर हमारे को परेशान किया गया। तो क्या अवैध वसूली भी कर रहे हैं नगर निगम वाले? नहीं, बिल्कुल, ये आदेश की आड़ में अवैध वसूलियाँ होगी और अवैध वसूलियाँ होना चालू हो गई। आज हमको डराया जा रहा है कि आप ठेला तोड़ देंगे, आप हमारा सामान जब्त कर रहे हैं। अरे भाई, गरीब पे कुछ रहम खाओ।